हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि लुसेंट हिस्ट्री हमारा चल रहा है। लुसेंट हिस्ट्री में हम आज डिस्कस करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री। आपको पता है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेडाइवल हिस्ट्री पे। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्री पार्टाइट जो स्ट्रगल था किस किस के बीच। तीन लोग थे, पाल, प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस बीच साउथ इंडिया में राज चल रहा था चोल डायनेस्टी का, और हम ज़्यादा स्पेसिफिक बोले तो इसको हम कभी कभी मेडाइवल चोल डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि एक चोला डायनेस्टी आया था तब जब संगम पीरियड था, फर्स्ट बीसी से थर्ड बीसी के बीच, मतलब थर्ड बीसी फर्स्ट बीसी के आसपास जो संगम एरा चल रहा था। उस समय तीन डायनेस्टी थी, चेरा, चोला, पांड्या। उसके बाद क्या हुआ, 900 CE के आसपास एक और फिर से चोल डायनेस्टी का उद्भव हुआ। वो कहाँ पे हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्लियर, इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है तो, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, क्लियर। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे चोला डायनेस्टी के बारे में। तो चोला राज्य जो, चोला की टेरिटरी थी, ये वाला कलर है, थोड़ा बैगनी कलर वाला जो है, चोला का इन्फ्लुएंस ये वाला कलर है। मतलब चोला का इन्फ्लुएंस बहुत जगह था वो, यानी ट्रेड ये वाला रास्ते से करते थे। इसका मतलब यहाँ पे उसका बता रहा कि वो, उसकी नेवी बहुत मजबूत थी, नेवी मजबूत, तो इसका मतलब दूसरे देशों से रिलेशनशिप अच्छा था, क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसका कैपिटल कहाँ था, इसका कैपिटल था तंजावुर कैपिटल था उसके, जिसको तंजोर भी बोलते हैं। उसने एक और कैपिटल बनाया था बाद में, गंगाई कोंडा चोलापुरम। कैसे इसके हाथ में गंगाई कोंडा चोलापुरम आया वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन समझ लो दो राज था, तंजोर और एक गंगाई कोंडा चोलापुरम। और एक और चीज थोड़ा समझ ही लेते हैं क्योंकि आगे दिया नहीं है बुक में, चालुक्य। और आपको पता है चालुक्य यहाँ पे बगल में, तो भाई शांति से तो रहेंगे नहीं। वेंगी के लिए हमेशा इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था, क्लियर है ना, इसमें समझ के। अब हम चलते हैं लुसेंट वाले पिक पे, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं लुसेंट की। तो सबसे पहले है इसका कैपिटल कहाँ है, तंजोर। पहले एक तंजोर था सिर्फ, उसके बाद एक और कैपिटल बना गंगाई कोंडा चोलापुरम, क्लियर। जो चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, फाउंडर का नाम था, क्लियर, अब देखते हो थोड़ा। चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था बिजालया। उन्होंने उन्होंने क्या किया, बिजालया कौन थे, बिजालया जैसे आपको पता था इससे पहले डायनेस्टी थी पल्लव, पल्लव डायनेस्टी की फ्यूडेटरीज थे। आपको पता है फ्यूडेटरीज मजबूत होने लगता है जैसे ही लगता है उसको कि राजा मेन किंग जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ा है, तो जो फ्यूडेटरीज होते हैं, फ्यूडेटरीज अपने आप को हथिया लेते हैं, पावर को हथिया लेते हैं। तो पल्लव के फ्यूडेटरीज थे कौन, चोला डायनेस्टी। उन्होंने तंजोर को कब्जा में कर लिया 850 AD में, 850 AD में, और उसी को अपना कैपिटल बनाया। लेकिन लेकिन विजयालय ने तो बस बनाया, लेकिन दो तीन इसके ही बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे जिसका नाम है, एक राजा राजा और एक राजेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट थे। राजा राजा के नाम से क्या जुड़ा है, राजा कब से कब तक था, 985 से 1014 AD के बीच था, उसके जस्ट बाद राजेंद्र वर्मन आया था। राजा राजा वर्मन ने कुछ टेम्पल भी बनाए थे, जैसे टेम्पल का नाम है बृहदेश्वर टेम्पल और राजा राजेश्वर टेम्पल। कौन टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल और राजा राजेश्वर टेम्पल। और किस भगवान के लिए है, शिव भगवान के लिए ट्रिब्यूट किए हुए हैं, यानी और है कहाँ पे, अपने कैपिटल में बनाए, बस आराम से तंजोर में। तो राजा राजा के बाद उसका कैपिटल राज करने आता है राजेंद्र वन। राजेंद्र वन देखो ये बहुत, राजेंद्र वन जो था ना बहुत कनकरर था, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर अपने जगह हर अपने की इसकी इच्छा हमेशा रहती थी। तो राजेंद्र वन ने उड़ीसा को कैप्चर कर लिया, बंगाल को कैप्चर कर लिया, बर्मा को कैप्चर कर लिया, अंडमान और निकोबार को कैप्चर कर लिया। चोला डायनेस्टी इनके समय में पीक पे था, हम ऐसे बोल सकते हैं चोला डायनेस्टी पीक पे किसके समय में था, राजेंद्र वन के समय में। और राजेंद्र वन ने इवन एक जगह, एक टाइटल उनको मिला था जिसका नाम था गंगाई कोंडा, क्योंकि गंगा डायनेस्टी को उन्होंने हराया था। इसका मतलब हो गया उनका नाम का, उस उनको टाइटल मिला गंगाई कोंडा चोला, गंगाई कोंडा चोला।
और उन्होंने कैपिटल बनाया, एक एक सिटी बनाया, पहले एक सिटी बनाई और उस सिटी को अपना एक और कैपिटल बनाया। पहले एक कैपिटल कौन सा था, तंजोर, उन्होंने पहले एक सिटी बनाया, उस सिटी को एक कैपिटल बना दिया, एक एनदर कैपिटल जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम, क्लियर है ना। लास्ट रूलर कौन था, राजेंद्र थ्री, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है, किंग वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, नॉर्मल बात है, सारे मेडाइवल हिस्ट्री में यही हो रहा था। और लेकिन इनको साथ में हेल्प कौन दे रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक था, क्लियर। चोला एम्पायर डिवाइडेड था प्रोविंस में, जैसे मान लो ये चोला डायनेस्टी, एक प्रोविंस है, प्रोविंस के अंदर कमिश्नरी है, कमिश्नरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव है, बस यही तो होता है नॉर्मल। इसमें देखो नॉर्मल नहीं, एंशियंट से एक एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि एंशियंट में हम कमिश्नरी नहीं सुनते थे, क्योंकि एंशियंट में सीधा होता था प्रोविंस, प्रोविंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे गाँव। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रोविंस, प्रोविंस को क्या बोलते हैं, मंडलम, क्लियर है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वालानाडु किसको बोलते थे। साउथ इंडियन की कोई डायनेस्टी थी जो एक टर्म यूज करती थी, वालानाडु। वालानाडु किसके लिए यूज करती थी, कमिश्नरी के लिए यूज करती थी। नारू किसके लिए यूज करती थी, डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज करती थी। खुर्रम किसके लिए यूज करती थी, विलेज के लिए, ग्रुप ऑफ विलेज के लिए, क्लियर है ना। द अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज द बेसिक फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। भाई लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा था, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो गुप्ता के, गुप्ता लोकल गवर्नमेंट पे बहुत जोर देता था, ए भी लोकल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे, क्लियर। उसके बाद क्या है, लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स वॉज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम था। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ओके और क्या क्या कहता है, लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर व्हिच केम इनटू वोग, मतलब प्रचलन में आया इस पीरियड में, वो था द्रविड़। क्योंकि आपको पता है जो साउथ इंडियन में कौन सा स्टाइल फेमस है, द्रविड़, नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टाइल फेमस है, टेंपल का नागर, और डेक्कन वाला एरिया में कौन सा है, वेसरा, क्लियर है ना। तो इन अदर एस्पेक्ट जो, और एक और चीज, द्रविड़ स्टाइल, तो टेम्पल का नाम क्या है, कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो आपसे पूछा जा सकता है कांचीपुरम में कौन सा टेम्पल है, कैलाश नाथ, या सिंपल पूछ सकता है कैलाश नाथ में कौन सा टेम्पल है, कांचीपुरम। इन अदर एस्पेक्ट यहाँ पे क्या था कि ये क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था, इनका जो स्कल्पचर होता था, जैसे आप नटराज का एग्जाम्पल ले सकते हो, नटराज इतना ज़्यादा फेमस है, इवन अभी नटराज इतना रेयर है कि वो आपको इतना महंगा मिलेगा, अगर ओरिजिनल उस समय का नटराज कोई आपको दिखा रहा है तो बहुत वो रेयर क्वालिटी हो जाती है वो। उसके अलावा तमिल पोएट्री की बात करते हैं, तमिल पोएट्री में कंबना हु रोट रामा बत्रम वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द तमिल पोएट्री, हिज रामायण इज नोन एज कंब रामायण। ध्यान देना, कंबना एक इंसान था, कंबाना एक इंसान था, एक पोएट थे, उन्होंने क्या लिखा, रामा बत्रम, मतलब राम जी की स्टोरी, राम जी की विवरण लिखा उन्होंने, और तमिल पोएट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। रामायण, उनके रामायण जो एक है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में जो रामायण का कैरेक्टर सब है ना, देखो स्टोरी मोर और लेस वही है, लेकिन कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, जैसे नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है। इसको बोलते हैं कंब रामायण, कंबा रामायण, जो रामायण ये इन्होंने लिखा था उनको बोलते थे कंबना रामायण। कंबना, कुत्ताना और पुगलेंडी इज कंसिडर्ड, पुगलेंडी इज थ्री जेम्स ऑफ, आपको ये क्वेश्चन आपने वहाँ पर डिस्कस किया था कि संगम लिटरेचर में आई थिंक कि तीन जो जेम्स थे, तीन और जेम्स जो हमको बोलते हैं, तीन रत्न तमिल पोएट्री के, तीन सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जिनमें कौन कौन थे, कम्बाना, कुताना और पुगलेंडीज, ये तीन नाम थे। और एक और चीज़, और कम्बाना ने लिखा था रामा बत्रम, उनके रामायण को बोलते हैं कम्बा रामायण, क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, इन द टेम्पल, देखो एक और चीज मैं बता दूं, टेम्पल जो द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल यहाँ पे आया, द्रविड़ के स्टाइल के टेम्पल में तीन चीज
इम्पोर्टेंट थी, विमान, गोपुरम, और एक और चीज हुआ करता था, पौंड हुआ करता था, जो नॉर्मली नॉर्दर्न इंडिया का जो टेम्पल था ना उसमें पौंड नहीं हुआ करता था। और एक और चीज, सदर्न इंडिया के जो टेम्पल होते थे ना वहाँ पे सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती थी, वहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटी होती थी। तो सदर्न इंडिया के टेम्पल ज़्यादा साइज में बड़ा होता था एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, समझ रहे ना? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, सदर्न इंडिया में एजुकेशनल एक्टिविटीज, वहाँ पे अपने वहाँ पे गुरु शिष्य को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ। क्लियर है ना? तो सबसे पहले दो चीजें सिंपल समझना, विमान और गोपुरम क्या होता है, मैं बताता हूँ। गोपुरम सिंपल और गेट होता है, सिंपल। मंदिर यहाँ पे है, मंदिर में जाने के लिए रेलिंग चारों तरफ सब है, एक गेट सबसे इम्पोर्टेंट है। गेट जितना भव्य होगा मंदिर उतना ही अच्छा लगेगा। और राजा क्या करते थे, हर राजा अपने आप के अपने प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए गेट को और अच्छा बनाते थे, और अच्छा बनाते थे ताकि उनका नाम हो। उसके अलावा विमान क्या होता है, विमान कुछ नहीं है, सिंपल भाई। भगवान यहाँ पे गेट से आप निकल गए, अब यहाँ से होके यहाँ से होके जो रास्ता होता है, रास्ता जो होता है पिलर हॉल होता था, रास्ता है, ऐसे पिलर टाइप का हॉल होता था। और जैसे पिलर नहीं हॉल बना देते हैं, यहाँ से गुजर गए 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 भगवान से मिल गए। भगवान जहाँ पे रहते थे उसको बोलते थे गर्भगृह या मेन श्राइन उसको बोलते थे, समझ गए ना? गर्भगृह समझ गए, गोपुरम समझ गए, गेट सिंपल, विमान समझ गए, और एक और चीज होता था पौंड। सदर्न इंडिया में पौंड, PUND, सदर्न इंडिया के टेम्पल में पौंड होता था। और सदर्न इंडिया के टेम्पल में रिलीजियस एक्टिविटी के अलावे एजुकेशनल एक्टिविटी भी होता था, प्रचार प्रसार धर्म के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी होता था। द बेस्ट स्पेसिमेन आर द टेम्पल ऑफ विजालिया टेम्पल, चोलेश्वरा टेम्पल, द नागेश्वरा टेम्पल और कोरंगनाथ टेम्पल एंड मुबारा कोविता टेम्पल। ये सब टेम्पल इसका एग्जाम्पल है। इस टेम्पल का आप नहीं भी याद कर सकते हो, क्योंकि जो जो टेम्पल का आपको टेम्पल का जगह एटलीस्ट याद होना चाहिए, जो फेमस होते वही पूछेगा। क्लियर है ना? कुछ और किंगडम जो साउथ इंडिया के थे, जैसे वेस्टर्न और लेटर चालुक्या, उसके कैपिटल थे कल्याणी और कर्नाटका, तैलाप टू के रियल फाउंडर थे, ध्यान देना, रियल फाउंडर, पहला फाउंडर की बात नहीं करें। काकातिया डायनेस्टी वारंगल और आंध्र प्रदेश में उनका कैपिटल था, और प्रोला राजा टू उसका रियल फाउंडर थे। यादव, यादव के देवगिरी और महाराष्ट्र कैपिटल था, विलम फाइव उसका रियल फाउंडर था। होयसाला डायनेस्टी के जो कैपिटल था वो था द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, क्लियर है ना? बित्तिगा देव उसके, या विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन उसके रियल फाउंडर थे, दोनों एक ही नाम है। इसके अलावा हैं जो टेम्पल ऑफ होय सलेवेश्वरा और द्वार समुद्रा, जिसको हम मॉडर्न हालेविद बोलते हैं, ये होयसाला आर्ट का नाम से पता चला, ये तो सिंपल आप याद कर लोगे। और इनके जो कैपिटल था वहाँ पे एक टेम्पल था, नाम है द्वार समुद्रा, जिसको हम मॉडर्न में हालेविद बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ये दोनों होयसाला डायनेस्टी का, तो होयसाला डायनेस्टी से रिलेटेड आपको दो टेम्पल याद रखना है। और ध्यान देना, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपको नाम से ही आप गेस कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा हो गया, हमारा एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हमारा सल्तनत पीरियड स्टार्ट होगा। सबसे पहले सल्तनत पीरियड में दिल्ली सल्तनत करना है हमें। दिल्ली सल्तनत में हमें सारे राजाओं के बारे में डिस्कस करना है, सारे सुल्तान के बारे में डिस्कस करना है, पांच सुल्तान। पांच सुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा हम दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जैसे स्लेव खिलजी एक में करेंगे, उसके बाद तुगलक सैयद लोधी एक में कर लेंगे। नहीं हाँ देखें, तीन वीडियो लगेगा, क्योंकि तुगलक थोड़ा लंबा वाला है, लंबा है, क्योंकि उसके मोहम्मद बिन तुगलक के जो कारण क्यों थे, क्यों मोहम्मद बिन तुगलक हारा, क्यों उसका इतना विद्रोह हो रहा था उसके राज्य में, वो सभी डिस्कस करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।